मेरी माटी मेरी आन है तू। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। 5 मिनट के अंदर हवेली खाली कर, वरना यहीं पर तुम सबकी लाशें बिछा दे। ख्याल से बाहर से मेहमान आएगा। ये क्या माजरा है ऑफिसर? तुम जानते हो मैं कौन हूं? होम मिनिस्टर का बेटा जुनेद। होम डिपार्टमेंट से यहाँ आईजी ऑफिस से मुझे स्क्वाड करने के तुम्हें ऑर्डर्स तो आए होंगे। बिल्कुल मिले थे सर, आईजी साहब के ऑफिस से ऑर्डर्स मिले थे। लेकिन माजरत के साथ के झोंक सयाल में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो आपके स्क्वाड के काबिल हो सर। आपकी इन गाड़ियों की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये कि मुझे पूरी नफरी को यहाँ लेकर आना पड़ा रेड मारने के लिए सर। एक बहुत खतरनाक मुजरिम को पकड़ना था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारा मुलाजिम किसी जुर्म में मुलव्वस है? सबूत ये मुंदरी है जिसका दूसरा हिस्सा मुख्तार के कान में है। और दूसरा इसका ये जख्मी कान जो इकबाल के साथ झगड़ा करते हुए शायद जख्मी हो गया। बकवास कर रहा है और आप यहां खड़े इसकी बकवास सुन रहे हैं बाबा सिंह? अगर पुलिस को किसी पे शक है तो उन्हें पूरा हक है कि वो अपना शक दूर करें। और वैसे भी कानून तो सबके लिए बराबर है ना वीरल साईं। जुनेद साईं ठीक कह रहे हैं। अगर कोई हमारा जाति मुलाजिम किसी जुर्म में मुलव्वस है या पुलिस को उस पर शक है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका हाथ पकड़कर खुद उसे कानून के हवाले कर दें। अगर बेगुनाह होगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। हम सब कानून का एहतराम करने वाले शहरी। और याद रखो कानून सबके लिए बराबर है। जा मुख्तारे, पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दे और इस हवेली में उस वक्त तक ना आना जब तक अपनी बेगुनाही साबित ना कर दे। क्या समझे हैं? जादात जी सर। गाड़ी में डालो। मैं सर? बुरा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है एएसपी। मेरे सबर को उतना ही आजमा जितनी अजियत बाद में तू बर्दाश्त कर सके। आज से तेरी मेरी खुली दुश्मनी। और मीरल अपनी दुश्मनी निभाने का ऐलान करता है। शौक से कर लो मीरल, लेकिन वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ऐसा ना हो कहीं बाद में बहुत पछताओ। झोंक सयाल का सहरा और मेरे लाडले कुत्ते आज से तेरा इंतजार करें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
काफ़ी मुख्तलिफ सियासतदान हैं आप। मेरी दुआ रहेगी कि आप असेंबली में जल्दी आएँ। वी नीड पीपल लाइक यू। और आप जब तक इधर हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूँ। सो इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। चलो सर। क्या ये मैं क्या सुन रही हूँ? पीरल की हवेली पर पुलिस वालों ने छापा मारा है। क्या अल्लाह, क्या मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, झोक सयाल की तारीख में ये दिन भी लिखा था लिखने वाले ने कि इस फिरौन की हवेली में कोई जीदार इस तरह घुसने की जुरत कर बैठेगा। सारे इलाके के लोग हैरतजदा हैं और घरों से निकल निकल कर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या ये सच है? अरसलान ने, मेरा मतलब है एएसपी साहब ने अपना फर्ज खूब निभाया है। ऐसे पुलिस अफसरान हो तो किसी की क्या मजाल जो किसी गरीब का हक मारे या फिर किसी पर जुल्म करे। सही बात है, लेकिन पीरल भी इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। और मीरल, वो तो गुस्से में पागल हो गया है। मीरल अपना बदला जरूर लेगा, लेकिन तुम देखना, अल्लाह इस अफसर की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आगे चलो। रुको, मैं अपने कैदी पर तशद्दुद करके सच निकलवाने की टेक्निक के खिलाफ हूं, मगर मुझे इतना मजबूर मत करना कि तुम्हारे मामले में मैं अपने उसूल भूल जाऊं। ले जाओ इसे हवालात में बंद कर दो, और ये तब तक नहीं सोएगा जब तक इकबाल के बारे में सब कुछ सच सच न बोल दे। हुक्म की तामील होगी जनाब। ले जाओ इसे। अस्कर, थाने की हिफाजत की नफरी बढ़ा दो और हवालात पे भी 24 घंटे का पहरा रहेगा। ठीक है जनाब। हमें हर वक्त किसी भी चीज के लिए तैयार रहना। पीरल साई आंखे जो तुसा हुण आराम करो, रात दे खाने ते तुहाडे नाल मुलाकात करे सन। कहीं शायदी भी जरूरत होवे तो नौकर सारे बारू मौजूद हैं। जी शुक्रिया। ठीक है साईं। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं नोट कर रहा हूं कि जब से हम यहां पर आए हैं कुछ खोई खोई सी लग रही है। स्पीच में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारा? नहीं, मैं बस यहाँ के लोगों को देख के हैरान हूँ, और उस पुलिस ऑफिसर की रेट भी। उस ऑफिसर ने मेरा भी बहुत मूड ऑफ किया, सारा जलसा खराब कर दिया उसने। लेकिन जो भी कहो, बड़ा जीदार ऑफिसर था। हम बड़े शहरों में रहने वाले लोग अपनी लग्जरीज और कंफर्ट के इतने आदी होते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं
कि छोटे इलाके के लोग और सरकारी अफसर कैसी कैसी जंगें लड़ते हैं रोज। कह तो सही रही है, बड़ी मुश्किल जिंदगी है लोगों की। But I have to admit, I was really impressed by that ASP, क्या नाम था उसका? अरसलान। वो जब आप दोनों बात कर रहे थे, मैंने उसकी नेम प्लेट पढ़ी थी। बहरहाल डैड को कह के उसे हमारी स्क्वाड का हिस्सा बना दो। I can really use brave officers like him in my election campaign. ना कट गई है बड़ी हवेली वालियां दी, ना कट गई है बाबा साईं। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, सब हंस रहे हैं जोक सियाल में। शर्म आ रही है मुझे अपने पर और अपने इस हराम खोटाले पर जो हमने हवेली में पाल रखा है। ठंडे हो जाओ नीरल, यही मसलियत का तकाजा है। वो कैसी मसलियत, कैसी मजबूरी? नीरी पुस्तली है ये, वो पुलिस वाला हमारी आंखों के सामने मुख्तारी को हथकड़ियां डाल कर ले गया और हम लोग खड़े तमाशा ही बने रहे। कसम है आपकी इस कत्ती की, अगर आपने मुझे नहीं रोका होता ना, तो आज सारे पुलिस वालों को मिट्टी में दफन कर देता। बात की नजाकत को समझने की कोशिश करो। होम मिनिस्टर का बेटा सब कुछ देख रहा था। उसने यहां से इलेक्शन लड़के यहां का एमएनए बनना है। बाहर से पढ़कर आया, नई सोच नई दुनिया का लड़का है। हमें उसके सामने बहुत एहतियात के साथ चलना है। उसे हरगिज शक नहीं होना चाहिए कि हमारी हवेली का कोई भी मुलाजिम किसी गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस है। और वो ASP उसका क्या करें? उसको ऐसे ही खुला छोड़ दे हम लोग ताकि वो दंगनाता फिरे और हमारी इज्जत पर हाथ उड़ाते फिरे? ऐसा मैंने कब कहा है? जरा मेहमानों को वापस जा लेने दो, फिर उस पुलिस वाले का भी इंतजाम करते हैं। तब तक तुम किसी तरह से मुख्तारे को यह पैगाम पहुंचा दो कि वो अपनी जबान बंद रखे। तो क्या वाकई मुख्तारे को गिरफ्तार कर लिया है ASP ने? जी निकी सैन, मैंने सुना है वो मुख्तारे को भरे जरगे से हथकड़ियां लगाकर घसीटते हुए ले गए। सारे बाजार में आज यही बात हो रही थी। बड़ी थू थू हो रही है हवेली के मर्दों पर। इस बेचारे इकबाल का क्या कसूर था? कसूर यही था बीबी, वो आपके, मेरा मतलब है शौके का दोस्त था। पुलिस को भी शौके के घर तक इसी ने पहुंचाया था। मेरे मुंह में खाक निकी सैन, मुझे तो लगता है मीरल ने शौकत को मार दिया, तभी तो वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। नहीं नहीं, इतने जालिम नहीं हो सकते ये लोग। जानिए तू मेरा एक जरूरी पैगाम पहुंचा देगी शशि तक? बोल, पहुंचा देगी? मैं सच के मैं कुर्बान अपने निक्की सैंड पर क्यों नहीं पहुंचाऊंगी? आप बस मुझे लिख कर दे दो। हाँ मैं लिख कर। मैं आऊं निकी सैन, सब ठीक है? चलो जी, ये तो सारा माजरा ही उल्टा हो गया।
लगता है हवेली का नया वारिस आने वाला है। मुख्तारे को तुम्हें पैगाम पहुंचा दूंगा, मगर ये जानदाद इस नमक हराम को मैं अब छोड़ूंगा नहीं बाबा सिंह, नहीं छोड़ूंगा। जानदाद इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, उसका तो अफसर उसे घास नहीं डालता। इसीलिए तुम्हें हमेशा समझाता हूं कि जल्दबाजी मत किया करो। तुम्हारी इसी जल्दबाजी की वजह से शौकत अपनी जान से गया और इकबाल भी तुम्हारी इसी जल्दबाजी का शिकार हुआ। पुलिस को तो तुमने खुद अपने पीछे लगाया है, उस थानेदार को क्यों इल्जाम देते हो? खुदारी के बिना भी मोहब्बत कभी मोहब्बत रही है भला, भीख बन जाती है। तो फिर ये आखिरी फैसला है? फैसला तो उसी दिन हो गया था लुबना, जिस दिन मुझे एहसास हुआ था कि तुम मेरे छोटे घर की दलील बात नहीं कर पाओगी। मेरी दुआ है कि खुश रहो यार। क्या बात है, तुम डिनर के बाद वहां रुकी नहीं? वो लोग अपनी हवेली की खवातीन से मिलवाना चाहते थे तुम्हें, लेकिन तुम्हारा पता ही नहीं। शाम को मुलाकात हुई थी मेरी जनाने में पीरल साईं की पहली बीवी से। मुझे तो समझ नहीं आया ये हवेली है या कैदखाना। ये लोग पुराने रस्म रिवाज में बंधे हुए लोग हैं, अपनी रवायत इतनी आसानी से नहीं भूलते। आपका कल का क्या प्लान है? मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पे। कल इलाके के कुछ बड़ों से मिलना है इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। बल्कि एक काम करो ना, तुम ही मेरे साथ आओ, वापसी पे एक साथ चलेंगे, क्या ख्याल है? नहीं, कल मैं अपने तौर पे इलाका घूम लूंगी, मैंने नहीं आना आपकी मीटिंग्स में, मैं बोर होती हूँ। चलो फिर एक काम करो, अकेले मत जाना, मेरे गार्ड्स अपने साथ ले जाओ। मैं थाने के गार्ड साथ ले जाऊंगी जो हमारे लिए छोड़ गए, वो हमारी एस्कॉर्ट के लिए। श्योर? या आई विल मैनेज यू, डोंट वरी। ठीक है। हाँ धनी बख्श, क्या खबर लाए आई? सही, वो मुख्तार को ना मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए शोर कोर्ट, ताकि उसका रिमांड ले सके। ये तो अच्छा मौका है, हम रास्ते में धावा बोल, मुझे मुख्तार चाहिए बस। ठीक है सही, मगर ये काम ना ऊना की वापसी पे ज्यादा सही रहेगा, तब तक आपके ये मेहमान भी चले जाएंगे जो शहर से आए हुए हैं। एक तो ये होम मिनिस्टर के पुत्र को भी अभी आना था, कब वापस जा रहे हैं? सही, वो सरकार ने बताया है कि उन दोपहर का खाना खा के ना उनकी वापसी का प्रोग्राम है, उसी के साथ इलाके के दौरे गए हुए हैं। ठीक है, अपने मन में तैयार रख, हम वापसी में घात लगाएंगे। आ जाओ चाचा,
आज तो तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता करने का भी टाइम नहीं है, लगा दो जल्दी से। सर आपके मेहमान। तुम यार? हाँ मैं। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था लुकनो, ये छोटा सा इलाका है, यहाँ इस तरह की मुलाकातों के स्कैंडल बन जाते हैं। फिक्र ना करो, जुनेद को बता के आई हूँ, उसी के ड्राइवर के साथ आई हूँ। तुम्हारे थाने से गार्ड चाहिए था, तुम्हारे इलाके की सैर करनी है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है इस इलाके में, देख ले, एक तवील सहरा है और टूटी फूटी इमारतें बस। बड़ी बात है फिर भी टिके हुए हो यहाँ। इसी इलाके में पोस्टिंग के लिए छोड़ा था ना तुमने मुझे? छोड़ा मैंने नहीं, तुमने था लुकनो। खैर पुरानी बातें याद करके क्या फायदा। हाँ मैं अपने स्टाफ से कह के तुम्हारे स्क्वाड का बंदोबस्त करूं। अरसलान मेरे बगैर खुश कैसे रह लेते हो तुम? तुम्हारे बगैर सिर्फ रहना सीखा है लुकनो, खुश रहना सीखना भी बाकी है। 3 महीने हुए खाली, खुश रहना भी सीख लूंगा। और कुछ लोग हमारे जीने को खुशी में शुमार करते। सही कह रही हो, तुम्हारा शौहर अच्छा आदमी है, काफी दिलचस्प आदमी है। इनफैक्ट हमें ऐसे पॉलिटिशियंस की जरूरत है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें खुश रहना भी सिखा देगा। मेरी खुशी की फिक्र ना करो तुम, और जो मैंने कल यहाँ देखा है मुझे नहीं लगता यहाँ का जागीरदार तुम्हें ज्यादा देर यहाँ टिकने देगा। तुम्हें बहुत एहतियात से रहना होगा। जानता हूँ कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें मेरा ट्रांसफर ही क्यों ना कराना पड़े। मैं जुनेद से बात करूंगी कि वो अपने अबू से बात करे तुम्हारे लिए। तुम अपना ख्याल रखना, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटाना किसी के बस की बात नहीं। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देता, सारी तैयारियां मुकम्मल है? जी जनाब, हम पूरी तरह तैयार हैं। बहुत होशियार रहने की जरूरत है, आते जाते कुछ भी हो सकता है। सब लोगों को अपने आंख और कान खुले रखने, समझे? जी जनाब, कोई कोताही नहीं होगी। ये जानदाद का नजर नहीं आ रहा साहब। ऐसे जो साहब के बीवी बच्चे आ रहे हैं, वो उनको स्टेशन लेने के लिए गए। ठीक है, मजीद इंतजार नहीं कर सकते, कोर्ट का वक्त खत्म होने से पहले मैं वहां पहुंचना। खुदमसी तुम नफरी के पीछे रहोगे साहब।
ये कैदी और सिपाही बीच में रहेंगे और मैं और असगर आगे रह के कवर करेंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. उसको क्या बकवास कर रही है तू? नूरी उम्मीद से ये मनोज खबर सुनाने के लिए मुंह उठा के चली आई. लानत है तुझ पर. मैं क्या करती वड्डी सैन जी, मुझे तो रात को ही शक हो गया था. अब भी दाई खैरन को बुलवाया मैंने नूरी बीबी को दिखाने की खातिर. उसी ने बताया कि हवेली का दूसरा वारिस. खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी तुमने इस मनुष्य मुंह से निकाला. सरदारी बेगम, ये वक्त इसको डांटने का नहीं है. अब सोचो क्या करना है. सही कह रही हो. अभी ये खबर, ये मनुष्य खबर पीरल साईं के कानों तक नहीं पहुंची है. वो मेहमानों के साथ औताक में मसरूफ है. मेरा ख्याल है ये वक्त ठीक है. ये दूध में घोल कर उसे पिला दे. क्या है वड़ी सैन? ये जहर. जहर? डरो नहीं, मरेगी नहीं वो. बस कोई दूसरा वारिस इस हवेली का पैदा करने के काबिल नहीं रहेगी. और हाँ, खबरदार जो इस बार कोई कुताही की तो वरना उसी चौकी सपेरे से तुझे टसवा दूंगी. यार बड़ी देर थी. ओए गुड्डू, आ गया मैडम. देर थी गई है थोड़ी. बहुत देर थी गई है. और शुरू हो वैसे चाह आ रही को यार. हाँ एक बार समझ नहीं आती. मैं आख्या आने की कोई लोड़ नहीं. आ वैसा छुट्टी गिन के. हाँ तो एक गाल अपने पुत्र को समझाना. बहुत जिद्दी थी गया आजकल. जेडी गाल 12 साल में तेको नहीं समझा सका. इनको समझ आ सी. चला बहु. फिलहाल तो मजिस्ट्रेट ने 7 दिन का रिमांड दे दिया तफ्तीश के लिए, लेकिन असल खतरा तो यहां से वापसी पर है. वो लोग जरूर इसे छुड़ाकर भगाने की कोशिश करेंगे. हम पूरी तरह तैयार है जनाब. कुंदन, तुमने SHO रमजान को मेरा पैगाम दे दिया था? जी साहब, बिल्कुल दे दिया था. और उनका कहना है कि आपके हुक्म की तामील हो. गुड, अब हमें चलना चाहिए. अंधेरा होने से पहले मैं जोग सयाल पहुंच रहा हूं.
बात मेरी कन खोल के सुन लो, कोई बंदा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए, ना ही कोई पहचान में आना चाहिए। मुझे मुख्तारा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, बस। और कोई भी इस काम में रुकावट बने तो वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। समझ गए? समझ गए साहब जी, आप फिक्र ही ना करें। तो फिर ठीक है, फैल जाओ, वो लोग आते ही होंगे। लोगों ने बहुत देर कर दी, अब तक इन्हें आ जाना चाहिए था। सरकार आप खामखा परेशान हो रही, इस बार मीरल सिंह कच्चा हाथ नहीं डालेंगे। और वैसे भी हमारे इतने बड़े लश्कर के आगे उनकी थोड़ी सी बंदूकों वाली पुलिस ने क्या कर लेना है। हाँ, अगर किसी पुलिस वाले का मारा जाना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। मैंने नीरल को सख्ती से नसीहत की थी कि सिर्फ मुख्तारी का किस्सा निपटाए, दुआ करो कि उसे मेरी ताकीद याद हो। सारी जिंद सारी बहार सरकार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार मीरल सही ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। आपका सिखाया हुआ शिकार ही है, इस बार शिकार को नहीं छोड़ेगा। तेरा खेल खत्म है एएसपी। दरवाजा खोल। तारा किधर है? वो तू कौन है? वो असल बंदा किधर है?